ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर अध्यक्ष सुजीत राणा अध्यक्षता में देश भर में बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वापस लेने हेतु एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार शाहपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इस मौके पर विशेष तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव केबल सिंह पठानिया भी मौजूद रहे हैं। पठानिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $41 प्रति बैरल है और देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पिछले एक माह में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, व तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में लगभग 10 का इजाफा किया है। वहीं डीजल में 11 प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। इन बढ़ी हुई कीमतों को लेकर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर अराजकता का माहौल बनता जा रहा है। ये भी एक इतिहास बन गया है कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र अन्य प्रदेशों से कम है, जबकि यहाँ की मुख्य आमदनी कृषि व पर्यटन व्यवसाय पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि मैं डॉलर के मुकाबले रुपए कर दूंगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने डीजल को पेट्रोल के बराबर कर दिया, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। कोविड-19 की वजह से प्रदेश में कृषि और पर्यटन व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश में आमजन की मुसीबतों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता बड़ियाम ठाकुर, रणजीत चंबाल, ध्रुव देव बलोरिया, अनूप बलोरिया, कुलदीप नाग, प्रदीप बलोरिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विजय कुमार, श्याम स्वरूप, बाल कृष्ण, सरवण कुमार, विवेक राणा सोशल मीडिया से प्रभारी, तनुज महाजन शाहपुर जोन प्रभारी, तिलक कुमार सेवा दल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीना ठाकुर, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सरिता सैनी, राजेश्वरी देवी, रीना पठानिया, पम्मी देवी, कुसुमलता, नम्रता देवी, हरचरण सिंह, पूर्व युवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुनीश पटियाल, एडवोकेट कर्ण पठानिया आदि गणमान्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे युवा नेतृत्व राहुल गांधी और हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप राठौर ने पहले जिला स्तर पर, आज प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर जो है वो महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि हमने विनम्र प्रार्थना की है महामहिम राष्ट्रपति से कि आप इस मामले में इंटरवीन करो। आज पेट्रोल और डीजल जो है वो बराबर हो गया है, और मैं कहता हूँ जो गरीब तबका हमारा, मजदूर है, मध्यम वर्ग है, और यही नहीं, आज मैं कहता हूँ भूतपूर्व सैनिक, उनका जो डीजे फ्रीज किया गया है, हर आदमी पे जो है इस कोविड-19 की जहाँ महामारी की मार पड़ी है, वहाँ महंगाई की मार जो है वर्तमान केंद्र सरकार की पड़ी है। तो हमारी ये विनम्र प्रार्थना है, आज ज्ञापन जो है हमने महामहिम राष्ट्रपति को दिया कि सरकार जागे और सरकार इसमें इंटरवीन करे और इस महंगाई को जो है वो कम करे, क्योंकि जो इनके घोषणा पत्र में था, आज हम यही प्रश्न पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वो कहते थे 56 इंच का सीना है, आज आप देख रहे हैं नेपाल जैसा देश, चाइना जैसा देश किस तरीके से आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो वो फेल हुए हैं, महंगाई की मार हमारे पे है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे तो बार बार हर जगह ये बात कहते थे मैं डॉलर और रुपये को बराबर कर दूँगा। पिछले 6 सालों में डॉलर और रुपये बराबर तो नहीं हुए, लेकिन डीजल और पेट्रोल बराबर हो गया, और ये डीजल और पेट्रोल की बार मार जो है ये सबसे, डीजल बढ़ेगा ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी, और ये कास्ट मजदूर और मध्यम वर्ग पे सबसे बड़ा ये अटैक है। और हमारी ये विनम्र प्रार्थना है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति इस आदरणीय प्रधानमंत्री को समझाएं और देश की 135 करोड़, वो बार बार कहते हैं मैं 135 करोड़ लोगों ने मेरे को चुना है, तो आज महंगाई की मार के अंदर भी जो है 135 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो त्रस्त हो रहा है। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इसको वो महंगाई को जो है वो कम करें।